फ्रेंड्स हम आज देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के स्ट्रीट फूड की फेमस सॉरी बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड मिसल पाव की रेसिपी। क्या हुआ ना, जब हम नए मुंबई आए थे तो मिसल पाव के बारे में सिर्फ सुना था, खाया नहीं था। तो एक हम होटल गए, वहाँ मिसल पाव ऑर्डर किया और मैंने जब खाया तो मुझे मज़ा ही आ गया। उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि पक्का इसे सीखूंगी और बनाऊंगी। लेकिन जो इसका पाव था ना, वो था बिना सीका। मैंने उनसे बोला कि सेक कर ला दो, उन्होंने बोला कच्चा ही खाते हैं। बट स्टिल उन्होंने थोड़ा बहुत सेक कर ले आए थे मेरे लिए, बट मुझे पूरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये यम्मी मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रात भर भिंगोई हुई सूखी वाली पीली मटर, जिसे बटाने भी कहते हैं। ये मैंने रात को 3/4 कटोरी भिंगो कर रख दी थी। और हम लेंगे 1/4 कटोरी मूंग की दाल, आप छिलके वाली या बिना छिलके वाली कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक कुकर, इसमें डालेंगे भिंगोई हुई मटर, मूंग की दाल, 2 कप पानी, 1/2 चम्मच नमक और 3 से 4 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ध्यान रखें कि इसे ओवरकुक नहीं करना है। ये मिसल पाव के प्रिपरेशंस में बाकी सारी चीज़ें तो घर पर रेगुलर मिल ही जाती हैं, बस हमें मार्केट से चाहिए पाव और हमें चाहिए ये नमकीन। इसे फरसान कहा जाता है, जो स्पेशली मिसल पाव के लिए होता है। इसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, इसमें अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, 1 प्याज का बारीक पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक कुक करेंगे 1/2 चम्मच नमक डालकर। प्याज अच्छे से सिक जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धना मसाला, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे 15 से 20 सेकेंड के लिए सेक लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये अच्छे से सिक जाना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। देखिए ये हमारी ग्रेवी कितनी सुंदर बनी है। इसी बात पर प्लीज़ हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी और 1 बॉईल आने देंगे। जब तक हम हमारा कुकर भी चेक कर लेते हैं। मूंग तो जल्दी कुक हो ही जाती है और देखिए मटर भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे और अगर पानी कम लग रहा हो तो पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये रसीली टेस्टी लगती है, क्योंकि फरसान का मिक्सचर और इसमें डलता है तो ये गाढ़ी हो जाती है। 1 बॉईल आने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला और लास्ट में टेंगीनेस लाने के लिए थोड़ा सा केचप। इसे गार्निश करते हैं फ्रेश धनिया से और लीजिए हमारी यमी यमी मिसल पाव की मिसल बनकर रेडी हो चुकी है। आ गया ना मुंह में पानी। अब आती है बारी इसके साथ खाए जाने वाली पाव रेडी करने की। इन पाव को सेकने के लिए हम लेंगे 3 से 4 चम्मच घी, इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक गर्म तवे पर हम इस घी को फैला देंगे, इस पर थोड़ी सी धनिया डालेंगे और एक एक करके सारी पाव दोनों साइड से सेक लेंगे। देखिए अब हमारे पाव लग रहे हैं ना मसालेदार और टेस्टी। ये पाव अब खाने के लिए रेडी हैं और हमारा तैयार हो गया है मिसल पाव। चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। अब हम लेंगे एक प्लेट में हमारी बनाई हुई टेस्टी मिसल, इसके ऊपर डालेंगे फरसान। अगर आपके पास ये मोटा वाला फरसान का मिक्सचर नहीं है तो सेव या नमकीन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फरसान से अलग ही टेस्ट आता है। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज, धनिया, नींबू का रस और अब हम इसे खाएंगे पाव से। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं या शाम को स्नैक्स में इंजॉय करें। और हाँ, अगर आप ऑफिस के टिफ़िन में कुछ चेंज चाहते हैं तो आप इसे ऑफिस भी ले जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।